स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पे। एसएससी के क्लासेस में आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना को हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रस्तावना को लिखें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक तरफ हिंदी है और एक तरफ इंग्लिश है, हम इस चीज़ को समझाते हुए आपको चलेंगे, ठीक है। जब प्रस्तावना की बात आता है तो सबसे पहले एग्जाम का क्वेश्चन याद आता है जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को पारित किया था, उद्देशिका प्रस्ताव को, और उसमें उन्होंने जो बातें रखी थी उसका कुछ अंश या उसका जो पार्ट है हमें प्रस्तावना के रूप में दिखाई पड़ता है जो हमारे संविधान में ऐड है। दूसरी बात है जो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है, किसी शुरुआती में सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि आप जानते हैं जो कि एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट हमारे जो संविधान होते हैं उसके अंतिम व्याख्याता होते हैं, है ना, अंतिम व्याख्याता होते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के। तो सुप्रीम कोर्ट शुरुआती दौर में प्रस्तावना के को संविधान का पार्ट नहीं माना था, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी प्रस्तावना के बारे में, लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने उस पूरे के पूरे जो वर्डिक्ट था, जो उन्होंने अपनी बात कही थी, उसको वापस लेते हुए यानी उसको चेंज करते हुए उन्होंने ये कहा कि नहीं, प्रस्तावना पार्ट है संविधान का, और न केवल संविधान का पार्ट है यानी कि भाग है, उसका हिस्सा है, बल्कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन भी होगा, बशर्ते जो संशोधन होना चाहिए वो उसके बेसिक नेचर में कोई छेड़छाड़ ना करे, जो उसके बेसिक नेचर है, जो मूलभूत संरचना है हमें, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। और ये बातें बड़ा ध्यान से आप समझिएगा जो बात मैंने आपको यहाँ पे बताया है, क्योंकि प्रस्तावना में आप जानते हैं जो मूलभूत प्रस्तावना था उसमें तीन नई बातें जोड़ी गई हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ पे आपको करने वाले हैं। तो वो जो तीन नई बातें जोड़ी गई उसके उपलक्ष्य में जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी पूरा का पूरा ये बाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि इसमें आप चेंज कर सकते हैं लेकिन बेसिक नेचर में कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए, जो हमने पहले भी आपसे बताया। प्रस्तावना के ऊपर बात कर रहे थे, प्रस्तावना के ऊपर। और तीसरी बात हम लोग कर ले कि प्रस्तावना हमने लिया कहां से है। तो देखिए, प्रस्तावना हमने यूएसए से लिया है, ये बात हमने यहां पे लिखा हुआ है कि प्रस्तावना को यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी यूएसए यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ के संविधान से हमने प्रस्तावना को लिया है। ये बात भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रस्तावना को लिया गया है, ये बात भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद प्रस्तावना के बारे में हम और भी बात करें तो हम देखते हैं कि दुनिया में कौन ऐसा पहला देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा था, तो वो देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट या इज द फर्स्ट कंट्री हु इंक्लूड प्रियम्बल इन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान में प्रस्तावना को जोड़ने का काम सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था दुनिया में। भारत भी उसी क्रम में आगे है, साउथ अफ्रीका के संविधान में भी आप प्रस्तावना देखने को मिलेगा, और इस तरीके की चीजें हैं। चलिए प्रस्तावना के बारे में और अगली बात हम आपको बताएं कि यहाँ से एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछा है, सारे क्वेश्चन हम करते हुए चल रहे हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम का क्वेश्चन है उसको आप करते हुए चलेंगे। प्रस्तावना में एक बात देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, ये बात इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप देखिए। ये जो लिखा हुआ है ना बी द पीपल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोग, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अमेरिकी संविधान में है बी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब ये एक सिमिलैरिटी मैंने बताने की कोशिश की है। और ये बी द पीपल ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है ना, इसका एक मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन हमें पूछा है, हायर लेवल के एग्जामिनेशन में जरूर पूछा है, लोअर लेवल के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, वो ये है कि भारत का जो संविधान है वो अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं, इम्पावर्ड होती है कहाँ से, कौन उसको इम्पावर करने का काम करता है, तो उसका आंसर होगा बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और इसीलिए यहाँ पे शुरुआत हम भारत के लोग से करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई है और अंत में क्या लिखा हुआ है कि हम अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन,
तो ये जो गिव आवर सेल्फ है या आत्मार्पित करते हैं, तो ये कौन आत्मार्पित करेगा, अपने आप को कौन देगा, ये संविधान किसको देगा? तो भारत के लोग अपने आप को ही देते हैं, यानी कि हमारी शासन व्यवस्था के लिए ये संविधान जरूरी है और संविधान में लिखे हुए नियम और कानून के हिसाब से हमारे देश में शासन होगा, उसी को बेस बना करके नियम कानून भी बनाए जाएंगे। ये सारी बातें एकदम से एक झटके में भारत के लोग स्वीकार कर लेते हैं, इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर बात हो कि भारत का संविधान अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करती है, कहां से इंपावर होती है, तो उसका आंसर होगा भारत के लोग। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में बना है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो भारत के लोग लिखने का मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसको आप समझिएगा। बस आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आज मेरे साथ प्रस्तावना को अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया से आप इसको देख लीजिए। एक दूसरी बात यह है कि जो एग्जाम का क्वेश्चन बना है और एक नेचर है, जिसको बोलते हैं ना कि हमारा दर्शन है, हमारा प्रकृति है कि क्या है हमारी संविधान, कैसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दरअसल प्रस्तावना को कॉन्स्टिट्यूशन का एक द्वार कहा जाता है, एंट्री गेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है प्रीएम्बल को, प्रीएम्बल इज कॉल्ड एंट्री गेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो द्वार कहा जाता है ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रवेश करने का, तो उससे पहले ये बताने की कोशिश करता है कि हमारा संविधान कैसा है, हमारे संविधान का नेचर क्या है, हमारे संविधान का दर्शन क्या है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज हमारी प्रस्तावना को करने की कोशिश करता है। जो एक एक पॉइंट हम लाइन से आपको बताते हैं वो ऊपर से नीचे चलेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हमारा देश कैसा है ये बता रहा है, हमारा देश कैसा है, भारत कैसा होगा। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है अपने द्वारा शासित प्रभुत्व संपन्न, जिसके ऊपर कोई नहीं है, जिसके मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यह हमारा नेचर होगा कि हम समाजवाद को, यानी कि सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यानी हमारे देश का, हमारे संविधान का कोई धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। मैं एक एक बात को अच्छे तरीके से बताते हुए चलता हूं, यह आपके ऊपर है कि आप उस बात को कैसे लेते हैं, अपने कॉपी में किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, मेरी बात को बहुत गौर से आप समझिएगा। पंथ निरपेक्ष, यानी पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि हमारे देश का, हमारे संविधान का कोई धर्म नहीं होगा, कोई भी धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, यानी कि हम लोकतंत्रात्मक होंगे, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हमारे ऊपर शासन करेगा, यानी लोगों का शासन होगा। और गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि जिसका हेड, यानी जिस देश का जो हेड हो, सुप्रीम हो, वो लोगों के द्वारा चुने गए। हमारे देश का हेड कौन है? राष्ट्रपति। और उसका क्या होता है? चुनाव होता है। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारा देश रिपब्लिक हो गया, यानी गणराज्य हो गया। जो बात यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। देखो, जो मैं आपको नहीं बताता चल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं होगा, इसका मतलब वो नहीं। ये वीवीआई है, एग्जाम का क्वेश्चन है। धर्म निरपेक्ष, वीवीआई है, एग्जाम का क्वेश्चन है। प्रभुत्व संपन्न, वीवीआई है, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है, एक साथ कैसे पूछा वो भी हम बताएंगे। तो हमारा भारत कैसा है? प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि उसके ऊपर में किसी का शासन नहीं है। नेचर क्या है, यानी कि हम कैसे वर्क करेंगे, तो समाजवाद को हम अपनाएंगे, यानी कि सबको भाईचारा एक साथ लेके चलेंगे, हालांकि भाईचारा की बातें आगे भी चलेंगी। पंथ निरपेक्ष, यानी हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का हम सम्मान करेंगे। लोकतंत्रात्मक, यानी हमारा जो शासन व्यवस्था होगा लोकतंत्रात्मक होगा। और गणराज्य, यानी कि जो हमारा हेड होगा, यानी कि हमारे देश का जो सुप्रीम होगा, उसको हम चुनेंगे, यानी कि राष्ट्रपति को हम चुनेंगे। तो गणराज्य है। और यहां तक बात समझ में आ गया। और एग्जाम का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लेता है कि इसको इसी सीरियली में अरेंज कर देता है और पूछता है भारत क्या है, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये बात मैंने जल्दी से पढ़ लिया। अब ऑप्शन क्या बनाएगा? एक ऑप्शन तो बिल्कुल वही बनाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी कुछ बोल लूं मैं, वहां पे लिखा हुआ है जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक ऑप्शन तो ऐसा बना देगा। और बाकी के ऑप्शन में क्या करेगा, किसी में डेमोक्रेटिक निकाल करके क्या लिखेगा, मेरी ऑप्शन को ध्यान से सुनो, डेमोक्रेटिक निकाल के क्या लिखेगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक। अगर आपको ध्यान नहीं है, याद नहीं है, तो गलती कर जाओगे। तीसरा ऑप्शन क्या बनाएगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हटा देगा। चौथे ऑप्शन में क्या करेगा, सोवरेन, सोशलिस्ट या सेकुलर हटा करके आपको कर देगा सोशलिस्ट,
सेकुलर करा दिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जो एक फाइनल ऑप्शन जो पहली बार मैंने बोला था उसमें सारे को ऐड कर देगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बना करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, उसको आप ध्यान में रखिएगा। और जब हम आपको क्वेश्चन देंगे तो हो सकता है कि मैं यहां से आपको कंफ्यूज करूं और आप उसको टिक करके आएंगे, मैं पहले ही आपको बता देता हूं इस बात को। तो यहां पर इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया, जो पहला पैरा यहां पे लिखा हुआ है इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि भारत क्या है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सबका मतलब समझा दिया, वीडियो पीछे करके आप उसको उसका मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद अगला ये एग्जाम का भी क्वेश्चन बना है, वो अगला क्या कहता है प्रीएम्बल प्रस्तावना में, वो ये कहता है कि हम सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, यानी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे कह रहा है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। यहाँ पे देखो न्याय शब्द को मैं यहाँ पे अलग कर देता हूँ इस तरीके से घेर के, और तीन शब्द जो यहाँ पे हैं वो देखिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना है वो समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि इनमें से कौन से न्याय की बात प्रस्तावना नहीं करती है, और ऑप्शन होगा तीन जो सही होगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और जो चौथा ऑप्शन होगा उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके क्या बोलते हैं वोट देने का न्याय ये कर सकता है, हालांकि राजनीतिक न्याय वोट देने के न्याय में आ सकता है, चौथे ऑप्शन में हो सकता है कि उपासना का न्याय, धर्म का न्याय, ऐसा करके कर सकता है, कोई भी न्याय एक चौथा दे देगा, और ये तीन ऑप्शन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को आपको रखेगा। एज इट इज यहाँ पे वर्ड पे जाइएगा, यहाँ पे मीनिंग पे मत जाइएगा, वर्ड सामाजिक आर्थिक राजनीतिक के बाद तीसरा कोई भी मिले तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही तीनों न्याय की बात है। या ऑप्शन में ये दे सकता है कि इनमें से किस न्याय की बात करती है, एक ऑप्शन सामाजिक न्याय की होगी और बाकी बहुत सारे न्याय बना देंगे उसकी बात होगी, तो इसको भी बड़े ध्यान से आप देखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। चलिए तो ये सामाजिक आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात कर लिए, यानी कि जस्टिस किसका, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अगला क्या कहता है, लिबर्टी, किस बात की लिबर्टी है, आजादी है, आजादी है, लिबर्टी है, किस बात की लिबर्टी है, तो फॉर द थॉट, अपने विचार को, अभिव्यक्ति को, अभिव्यक्ति को, बिलीफ को, जो मानते हैं, मानना, बिलीफ, बिलीफ का मतलब क्या होता है, आपकी उपासना, आपकी मानना, फेथ, फेथ उपासना, सॉरी फेथ उपासना, आपका जो विश्वास है, और वर्सेस धर्म, यानी कि इसको, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको लगेगा कि सिनोनिम्स हैं, लेकिन जब आप कोई कानूनी चीज लिखते हैं तो वहां पे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है, ताकि उससे कोई लीक न मिल जाए, उससे कोई जगह न मिल जाए जहां पर लोग अपनी बातों को गलत तरीके से प्रैक्टिस कर जाए और कह दे कि नहीं प्रस्तावना में तो ऐसा लिखा था, संविधान में तो ऐसा लिखा था। तो इस वजह से आप यहाँ पे देखिएगा बड़े ही क्लियर तरीके से लिखा है कि लिबर्टी किस बात की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो किस बात की स्वतंत्रता, विचार, मतलब जो सोचते हैं, अभिव्यक्ति, उसको व्यक्त करना, नोवेल लिखो, गाना लिखो, ये सब व्यक्त करने के, भाषण दो, अखबार में आर्टिकल लिखो, दिस इज द टाइप ऑफ क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन, विश्वास, धर्म और उपासना, इन सब की स्वतंत्रता देंगे, ये प्रीएम्बल का तीसरा पॉइंट कहता है। प्रीएम्बल का चौथा पॉइंट क्या कहता है वो देखिए, अवसर किस बात की, सॉरी इक्वालिटी, समानता किस बात की, यहाँ पे लिखा हुआ है समता है ना, इक्वालिटी किस बात की, इक्वालिटी, इक्वालिटी होगी प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा का मतलब कोई किसी को नीचा ना दिखा पाए, कोई किसी को दबाए नहीं, कोई किसी को सताए नहीं, और अवसर किस बात का, ऊपर उठने का अवसर, ये समाज में बराबरी करने का अवसर, अपने जो विचार है उसके बदौलत देश में नए नए क्या बोलते हैं उसको, देश में नए नए इनोवेशन करने का अवसर, तो ये हर तरह के अवसर देने की बात यहाँ पे किया गई है, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाएगी, सबको समानता दी जाएगी। और उसके बाद इसमें क्या है, फैटर्निटी, यहाँ पर एक जो फैटर्निटी जिसको बंधुता बोलते हैं हिंदी में, बंधुता मैंने यहाँ पे लिखा होगा, बंधुता देखो यहाँ पे लिखा है ना, बंधुता हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में जो बंधुता लिखा है, ये बंधुता कहां से लिया गया है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि कहां से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि फ्रांस के संविधान से ये फैटर्निटी, बंधुता लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100 बार पूछा है इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। तो बंधुता कहां से लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उन सब में क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता,
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ये सारी बातें यहाँ पे आपके प्रस्तावना में कहा गया है कि हम इन सारी चीजों को करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में जो एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू द 26th डे ऑफ नवंबर 1949, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या कहता है कि, मैं आपको लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, ये क्या कहता है कि 26th of November कब, 1949 को हम अपने संविधान को क्या करते हैं, फिर से चलते हैं हम आपको प्रस्तावना पे, अपनी मन की बात तो हम कुछ नहीं करेंगे यहां पर, सिर्फ आपको प्रस्तावना से हम अपने संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कब, देखिए 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को लागू कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब जब 26 जनवरी 1950 की बात हम लोगों ने पहले आपसे जरूर किया होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्रस्तावना आपका 26 नवंबर 1949 की बात करती है, इसको ध्यान में रखिएगा, यानी कि 26th ऑफ नवंबर 1949 की बात यहां पे हो रही है। ये हो गया प्रस्तावना के बारे में बहुत सारी बातें जो हमने से किया आपसे, एग्जाम का क्वेश्चन बहुत सारा आपसे हमने आपको किया यहां पे। अब मैं इसको मिटाता हूं और मैं आपको एग्जाम का और क्वेश्चन बनाता हूं, जो सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपके प्रस्तावना में, सॉरी, भारत के प्रस्तावना में, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द को जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कौन से 3 नए शब्द को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा जो मैंने आपको बोला है। तो यहां पे मैं लिखा हुआ बताता हूं और अलग से लिख भी दूंगा। देखो कौन से 3 नए शब्द को जोड़ा गया था, कौन से 3 नए शब्द को, समाजवाद, सोशलिस्ट, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष और यूनिटी, अखंडता। यहां पे 3 नए शब्द को जोड़ा गया था, अखंडता। 3 जगह पे मैंने लाइनिंग लगाया है, इधर भी लगाया हूं, कहां कहां, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहां पे ये 3 नए शब्द को भारत के क्या बोलते हैं, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब जरा हम इसको एक बार लिख ले कि 3 न्यू वर्ड एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 3 नए शब्द, 3 new word, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से वो 3 नए शब्द थे, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे, समाजवाद, सोशलिस्ट, दूसरा था सेकुलर यानी पंथ निरपेक्षता, सेकुलर, ठीक है, और तीसरा था इंटीग्रिटी यानी अखंडता। मैं पहले अखंडता लिख देता हूं, अखंडता, इंटेग्रिटी, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन से ये 3 नए शब्द को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये 3 नए शब्दों के बारे में आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन हमने बहुत सारा आपसे प्रीएम्बल से किया है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रीएम्बल कहां से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। फैटर्निटी शब्द कहां से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। 3 नए शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे, तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, हिंदी में भी लिखा हुआ है, वो कहां लिया गया, कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और फिर संविधान से जितने भी प्रस्तावना से एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे वो सारा मैंने बताया कि किस तरीके से गणराज्य का मतलब क्या होता है और कहां पे कैसे अरेंज करेंगे,
उपासना, न्याय वगैरह सबकी बात करेंगे। और सबसे पहले हमने बताया था कि भारत का संविधान का ताकत क्या है, तो हम भारत के लोग हैं, और ये भी बात हमने बताया था कि प्रस्तावना लिया कहाँ से, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे किया। अब प्रस्तावना को यहाँ पे रोकते हैं, हमने आगे हमें बढ़ना है दूसरे टॉपिक के बारे में, तो हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक होगा नए राज्यों का गठन, जो आपको दिखाई दे रहा होगा पार्ट वन। दरअसल हम लोगों ने पार्ट के बारे में बात किया था, तो हमने आपको बताया था कि जो पार्ट होता है ना, वो आपका एक तरीके का चेकलिस्ट है कि ये चीजें हमें पढ़ना है। मतलब कि पार्ट अगर आपको याद है, अगर आपको भाग मालूम है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यही यही चीज हमें पढ़ना भी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर पार्ट को पार्ट वाइज आप पढ़ लेते हैं, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता हुआ चला जाएगा, छूटेगा कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं छूटेगा हर पार्ट को आप अच्छे तरीके से पढ़ ले। उसमें भी हमने आपको बताया था कि हर पार्ट जरूरी भी नहीं होता है जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हम सारी चीजों को उसी अरेंज में पढ़ाते हुए चलेंगे, आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए एक बार अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट में, तो हम क्या देखते हैं यहां पे, ध्यान दीजिएगा कि पार्ट वन हमारा क्या कहता है। पार्ट वन कहता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है, कमेंट आते हैं हिंदी इंग्लिश में मतलब हिंदी बताइए ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैं हिंदी ही बोल रहा हूं, तो परेशान होने की जरूरत इसमें क्या है। हाँ, कोई ऐसा टर्म जो कभी अगर छूट जाए कि मैं इंग्लिश में बोल के समझा के चला गया, तो आप प्लीज कमेंट कर लीजिए, उसको मैं अच्छे से बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आप अच्छे से समझिए, तो पार्ट वन क्या कहता था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र कहता है पार्ट। और पार्ट वन के अंतर्गत कितने आर्टिकल है, 1-4। अब ये बात जो लिखने का है वो किस लिए है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पार्ट वन के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं, तो 1-4। खास करके ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पार्ट थ्री के बारे में पूछे जाते हैं कि पार्ट थ्री के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो जो उस समय पढ़ाएंगे, उस समय हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम 12 से लेकर के 36 की बात करेंगे, वहां पर सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर लेंगे फंडामेंटल राइट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 से लेकर 35, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट वन की, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात यहां पे कर लेते हैं। पार्ट वन है, आर्टिकल 1-4 है, और हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे, जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि हम आर्टिकल से आपको चीजों को नहीं पढ़ाएंगे, हम टॉपिक से पढ़ाएंगे, हमारा टॉपिक ये है, उसके अंतर्गत जो भी आर्टिकल आएगा उसको हम देखते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम आपको समझाते हुए चलेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, वो क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहां पे एक बात समझ में आता है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि भारत के संविधान में अपने देश का नाम सिर्फ दो ही वर्णित है, और वो दो नाम क्या है, इंडिया और भारत। आप देख रहे हैं इंडिया दैट इज भारत, और ये आर्टिकल वन है। आप कभी भी किसी का भी किताब पढ़ेंगे जो कि बुक होते हैं, स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूं मैं, चलाओ बुक नहीं, जिसको बोलते हैं रोड छाप राइटर, उनकी किताबों की बात नहीं कर रहा हूं, स्टैंडर्ड जो कि भारत सरकार की किताबें होती है, या कोई स्टैंडर्ड राइटर की किताब होते हैं, सुभाष कश्यप जैसे बहुत स्टैंडर्ड राइटर हैं, तो उन लोगों की किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल वन में शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहां पे बात ये कहता है कि भारत के दो ही नाम है, या तो इंडिया है या भारत है, ये बात किसने कहा, संविधान ने कहा। संविधान का कौन सा पॉइंट कहा, आर्टिकल वन ने कहा, यानी कि अनुच्छेद 1 ने ये बात कहा कि इंडिया दैट इज भारत, भारत या इंडिया उसका नाम होगा। उसके बाद क्या कहा आर्टिकल वन, उसके बाद जो बात कहा वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। यहां पे हिंदी वाले बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा, राज्यों का संघ, यहां पे संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, यहां पे यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। संघ को अगर हम इंग्लिश में लिखे तो संघ को इंग्लिश में यूनियन भी कहते हैं बेटा, तो ये नई बात क्या है सर, ऊपर तो यूनियन लिखा हुआ है, नई बात ये है कि संघ को यूनियन इंग्लिश में फेडरल भी बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो फेडरल शब्द अगर आ जाए तो यहाँ पे ये चीज आप थोड़ा सा इनकार कर जाइएगा, क्योंकि आर्टिकल वन यूनियन ऑफ स्टेट कहता है, फेडरल ऑफ स्टेट नहीं कहता है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाए, खास करके हिंदी वाले बच्चे, तो आप गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन राज्यों का संघ, फिर दूसरा ऑप्शन राज्यों का संघ,
तीसरा ऑप्शन कुछ और बनाएगा, और जब दो ऑप्शन एक साथ बनाएगा तो आप कहेंगे अरे कैसा बना दिया ऑप्शन, दोनों में राज्यों का संग कर दिया। तो वहां पे आप घबराएंगे नहीं, वहां पे फट से इंग्लिश देख लेंगे, और जब आप इंग्लिश देखेंगे तो वहां पे क्या दिखेगा, पहले में यूनियन ऑफ स्टेट होगा और दूसरे में फेडरल ऑफ स्टेट होगा। ध्यान रखिएगा, तो यूनियन ऑफ स्टेट टिक करके आएंगे क्योंकि आर्टिकल 1 आपका यूनियन ऑफ स्टेट कहता है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि यूनियन टिक करके आना है, अपन ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, यूनियन ही टिक करके आए, लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए ये तो बता दीजिए कि यूनियन और फेडरलिज्म में अंतर क्या होता है। तो देखिए, यूनियन और फेडरलिज्म में एक बड़ा सिंपल अंतर होता है जिसको हम आपको बताते हैं। देख लीजिए, यूनियन एग्रीमेंट नहीं होता है, यूनियन इज नॉट अ एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट, बल्कि फेडरलिज्म एक एग्रीमेंट होता है। और अच्छे से समझाओ तो यूनियन एक ऐसा समूह है जो आपस में किसी एग्रीमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि फेडरलिज्म एक ऐसा समूह है जो आपस में एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। फेडरलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा यूएसए है। यूएसए के जो 50 स्टेट हैं वो सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं एक एग्रीमेंट के द्वारा, जबकि भारत जो यूनियन का एग्जाम्पल है ये भी एक संघ है, लेकिन भारत के जो स्टेट है वो अग्रीमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं, वो प्रशासनिक कार्य प्रणाली के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक अलग अलग स्टेट है ताकि प्रशासन अच्छे तरीके से चलाया जा सके। एक बड़े स्टेट में प्रशासन अच्छे से नहीं चल सकता है, तो अलग अलग स्टेट होगा, उसके अलग अलग प्रशासनिक कार्यालय होंगे, अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी होंगे, राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, तो वो स्टेट अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएगा, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाएगा। इसलिए स्टेटों को बंटवारा किया गया है, इसलिए नहीं कि तुम एग्रीमेंट हो कल को अलग हो जाओगे। जैसा कि अभी देखिए 370 के द्वारा एक एग्रीमेंट से जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश के साथ क्या बोलते थे मिला हुआ था, जिसको कि नए वाले सरकार ने अलग करने का मतलब कि तोड़ देने का, 370 को खत्म करने का काम किया, यानी उस एग्रीमेंट को ब्रेक करने का काम किया। और इससे क्या हुआ कि यूनियन क्या बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना करके भारत का पहले से भी अभिन्न था, अब उसको एक संवैधानिक रूप से एग्रीमेंट जैसी जो बातें थी उसको समाप्त कर दिया। अब वो एक नॉर्मल स्टेट की तरह या नॉर्मल यूनियन टेरिटरी की तरह हमारे साथ क्या होगा व्यवहार होगा, उसी के तरीके से उसके साथ काम किया जाएगा। इस बात को समझिएगा, तो यूनियन जो है ना वो एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, जबकि फेडरलिज्म एग्रीमेंट का परिणाम है। इसमें हम और भी बहुत सारी बातें समझा सकते हैं, लेकिन फिर हायर एग्जामिनेशन में चले जाते हैं। और आसान तरीके से समझने का एक बड़ा सिंपल पॉइंट है कि भारत के जो स्टेट है यानी कि हमारे देश में जो शादियां होती हैं वो एक तरीके का यूनियन है जो टूटेगा नहीं बेटा, चाहे कुछ हो जाओ टूटेगा नहीं। और जो दूसरे देशों की शादियां हैं वो एक एग्रीमेंट है, वो तुरंत टूट जाता है, ब्रेक एक मिनट के अंदर में शादी होती है। अरे कल शादी होती है, पांचवें दिन ब्रेक, परसों शादी हुई, एक ही कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही महिला से जिनसे शादी कर रहे होते, मैं विदेशों की बात कर रहा हूँ, एक ही महिला से जिससे कभी 20 25 30 साल पहले शादी कर रहे होते 30 साल बाद उसी महिला से शादी कर रहे होते, और बीच में 4-5 महिला से शादी करके उनका ब्रेक हो चुका होता है, या महिलाओं के जगह पे आप पुरुष दे सकते हैं। ठीक है, चूंकि मैं पुरुष हूं तो महिला का उदाहरण दिया, आप महिला अगर होंगे तो आप पुरुषों का उदाहरण से समझ सकते हैं कि 4-5 पुरुष बदल चुके होते हैं अपने जीवन में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पुरुष महिला का भेदभाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जो विदेशों की शादियां होती है वो एग्रीमेंट होता है, जैसा यहां पे फेडरलिज्म है, तो जैसा सोच होगा वैसा देश बनाएगा, समझ में आ गया ना। हमारे देश में यूनियन की बात है, यानी कि हमारे यहां टूटती नहीं है शादी, तो हम जो है ना यूनियन के तरह के टूटेंगे तो नहीं बेटा, चाहे कुछ हो जाए टूटेंगे तो नहीं, है ना। कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितना भी विद्रोह कर लो, कितना भी आवाज उठा लो, राज्य को अलग तो नहीं होने देंगे, देश से अलग नहीं होने देंगे, देश नहीं टूटने देंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये यूनियन की बात यहाँ पे है। चलिए, तो ये समझ में आ गया ना यूनियन और फेडरलिज्म। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं फेडरलिज्म और यूनियन में, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे चर्चा करें तो क्लास बहुत लंबा चला जाएगा, तो उसको अलग से टॉपिक को रखेंगे, चूंकि अनुच्छेद 1 आ गया है, एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इतनी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी नए राज्य आ सकते हैं भारत में या नए राज्य को बनाया जा सकता है। ठीक, अनुच्छेद 3 भी उसी तरीके की बात करता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं और नामों में परिवर्तन। यहाँ पे क्या करता है कि नए राज्यों का निर्माण, यानी जो वर्तमान में जैसे कि आंध्र प्रदेश है और उसमें से हमें नए राज्य निकाल देना है, तो तेलंगाना हमने निकाल दिया तो नए राज्यों का निर्माण हो गया, उसी में सीमाओं या नामों का परिवर्तन भी कर सकते हैं,
नए राज्यों का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो दूसरा है ना, वो तीसरा से किस तरीके से अलग है कि कहीं बाहर से किसी को हम एनेक्स कर ले, यानी कि कब्जा कर ले, यानी कि ले लिए, खरीद लिए, कब्जा कर लिए, कैसे भी अगर कोई दूसरा राज्य क्षेत्र, कोई दूसरे का राज्य क्षेत्र हमारे यहाँ आना चाहता है या हमने उसको किसी तरीके से अपना बनाया है, तो वो आर्टिकल 2 है। लेकिन अपने ही राज्य, अपने ही देश के अंदर अगर कोई नया राज्य बनाना चाहते हैं, नए राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, नए राज्य के कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत हम लोग बात करेंगे। हो गया ये बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, राजाओं के राज थे, रियासत थे, जिसको देसी रियासत कहा जाता था जब भारत आजाद हुआ था। और उस समय गृह मंत्री, आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे गृह मंत्री, और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों का बहुत बड़ा सम्मान है हमारे मन में, क्योंकि देश की जो आज ढांचा है वो उन दोनों का दिया हुआ है, उन्हीं दोनों के ढांचे पे ये देश, और संविधान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था उसके हिसाब से हमारा देश आज तक चल रहा है। इस बात को समझिएगा कि जब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जिसको रियासत बोला गया, ये लिखा हुआ मैंने 552 है, मैं सबको मिटा दूं एक बार और फिर से मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूं। 552 जो प्रिंसली स्टेट थे, इन सब को एक जगह भारत में इकट्ठा किया गया और किसी न किसी स्टेट के साथ उसको क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया, और जो अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट था उसको एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ पूरे भारत के प्रिंसली स्टेट का, और इसका पूरा का पूरा योगदान दिया जाता है किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एग्जाम में क्वेश्चन है कि भारत के जो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का काम किया वो किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन 3 ऐसे स्टेट थे जो भारत जो रीऑर्गेनाइज नहीं होना चाहते थे, अपनी स्वतंत्रता को साबित करना चाहते थे एक, और दूसरा उनमें से कुछ स्टेट यानी 1-2 पाकिस्तान के साथ अपनी जो व्यवहार है उसको बना के रखना चाहते थे, जिसमें जूनागढ़ प्रमुख था पाकिस्तान के साथ अपनी व्यवहार बनाए रखने में। कश्मीर कहते थे कि नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी भी में शामिल नहीं होंगे, ना भारत में शामिल होंगे, ना पाकिस्तान में शामिल होंगे। और हैदराबाद भी अपनी स्वतंत्रता को लेकर के और पाकिस्तान को लेकर के अपनी बात करते रहते थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी एक स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। फिर बाद में जो अपने क्या बोलते हैं वल्लभ भाई पटेल जी थे, लौह पुरुष उनको कहा जाता है, उन्होंने क्या किया कि हैदराबाद को पुलिस, मैं पूरी कहानी को यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ, और हैदराबाद को पुलिस एक्शन से, यानी कि वहाँ पे आर्मी को भेज करके हैदराबाद को भारत का अंग बना लिया। और आप जानते हैं हैदराबाद जो है ना राजधानी है, आप इस बात को भी जानते हैं, अभी तेलंगाना की राजधानी है, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को बनाया जा रहा है, ये सारी कहानी आप करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़ते हुए रहते होंगे। तो हैदराबाद को पुलिस एक्शन के द्वारा शामिल कर लिया गया भारत में, ठीक है ना, और वहां का जो लोग थे, वहां के जो नवाब थे या वहां के जो राजा थे, वहां के जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन थे, नवाब ही थे, तो वो पाकिस्तान भाग गए और हैदराबाद की जितनी भी संपत्ति हो भारत सरकार की संपत्ति हो गई, और उसको भारत सरकार अपने तरीके से यूज भी करती है। आप जानते हैं दिल्ली का जो हैदराबाद हाउस है, वो बाहर के जो गेस्ट होते हैं उनको वहाँ पे बुला करके और उनके साथ समारोह का एक जगह बना दिया गया है। जूनागढ़ जो है ना, वो कहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, और चूंकि उस समय बड़ी बहुत मामला चल रहा था जम्मू कश्मीर का, तो एक एक जो रिकॉर्डिंग है भाषण का, लॉ पुरुष का, उनका एक भाषण है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें जिक्र किया था, जिसमें जूनागढ़ और कश्मीर की जिक्र किया था। तो जूनागढ़ में उन्होंने क्या करवा दिया, रिफरेंडम। रिफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है कि वहां के लोग किसके साथ जाएंगे, ये होता है, और ये बड़ा ही लोकतांत्रिक तरीका है। तो वहां के लोगों से क्या करा दिया, रेफरेंडम, यानी कि वोट दिलवा दिया, वहां के मत मान लिया, और मत के अनुसार से वहां के लोग, जूनागढ़ के लोग, भारत के साथ रहना स्वीकार कर लिए। तो भारत के साथ इन्होंने रेफरेंडम करवा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जूनागढ़ शामिल हो गए। उसके बाद बच गया कश्मीर, जिसको जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, जो आज आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी है भारत में। इसके साथ क्या हुआ कि ये दरअसल स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी और कुछ कबीलाई जो आतंकवादी थे उसके साथ जम्मू कश्मीर में एंट्री करते हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा भयानक रूप से लूटपाट, शोषण और पता नहीं क्या क्या, मैं बहुत सारे शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकता हूँ, आप अंडरस्टैंड कीजिए, वो सब वहाँ पर बहुत
तेजी से चलने लगता है। तो वहाँ के जो महाराज थे, हरी सिंह नाम था उनका शायद, तो वहाँ के महाराज आए भारत में और उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे उन्होंने बात किया हमारे मदद के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने और जो उस समय के कैबिनेट था उन्होंने डिसाइड किया कि आप हमारे देश में शामिल हो जाएं, फिर हम आपकी मदद करेंगे। तो फिर एक एग्रीमेंट हुआ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि भारत में सम्मिलित होने का एक एग्रीमेंट बनाया गया और उस एग्रीमेंट के तहत वो भारत के होने का मान लिया गया। उसमें कुछ कुछ सुधार और कुछ कुछ बातें की गई जो आर्टिकल 370 के तहत आज तक चले आ रहा था, उसके द्वारा वो भारत में एनेक्स हो गया, भारत में आ गए। और फिर जो हमारे कैबिनेट थे, हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने, या हमारे जो गृह मंत्री थे उन्होंने अपनी आर्मी को भेजा और वहाँ से जो बाहरी लोग थे, जो पाकिस्तानी या जो कबीलाई लोग थे जो वहाँ पे गलत तरीके से चीज़ों को कार्यक्रम को अंजाम दे रहे थे, उसको उन्होंने वहाँ से धकेलना शुरू किया और पीछे भागाना शुरू किया। फिर पीछे भागाते होने के क्रम में लोग यूएनओ चले गए, जो हमारे उस समय भारत सरकार थे, गवर्नमेंट थे, वो यूएनओ गए और वहाँ पे यूएनओ ने फैसला दिया कि जो जहाँ वहीं पे रुक जाए। तो आज जो एक आप देख रहे हैं कि एलओसी जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ हमारे पास है जम्मू कश्मीर का, वो तब से बना हुआ चला आ रहा है और एक लड़ाई का मामला भी है, लड़ाई की चीज़ें हैं जो हम लोग लड़ते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से। मैं कह सकता हूँ एक राउंड फिगर में क्या बोलते हैं एज को, यानी कि 70 साल वाली बात राउंड फिगर में, तो तब से हम लड़ते आ रहे हैं। लेकिन कश्मीर हमारा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर हमारा बन गया है और आगे चल करके आप जानते हैं कि कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना लिया गया। तो ये तीन नए राज्य भारत में शामिल किए गए हैं, ये तीन नए जो स्टेट्स थे उस समय के, उसको भारत में अलग अलग शहर के, हैदराबाद शहर हो गया, जूनागढ़ जानते हैं शहर हो गया, और कश्मीर एक नए राज्य के रूप में शामिल हुए। तो आर्टिकल 1, 2, 3 आप लोगों ने पढ़ा यूनियन एंड टेरिटरी में, जिसमें हमने आपको बताया कि भारत का नाम भारत है या इंडिया है और वो राज्यों का संघ है जिसमें यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और एक तीन नए जो जुड़े गए इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 2 और 3 के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लिए। अब यहाँ पे पार्ट 1 के बाद हम लोग बात करते हैं, पार्ट 1 में ही राज्यों के पुनर्गठन में वैसे स्टेट्स की बात हम लोग करेंगे जो भारत के देश के आज़ाद होने के बाद नया रूप लिया है, नए स्टेट की संरचना हुई है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो जो कुछ पुराने स्टेट थे उसको एक तरफ किया गया और जो कोई प्रिंसली स्टेट थे उसको एक तरफ किया गया, यानी कि तीन भागों में बांटा गया था। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ स्टेटों का, और उसके बाद फिर नए स्टेट जो सामने में निकल के आए, हम उसकी बात यहाँ पे आपसे करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले समिति देख ले कि कौन कौन सी समिति थी। तीन समितियां यहाँ पे आपको आपके सामने में है, जिसमें एक है धर समिति 1948 में, 1948 में ही जेवीपी कमिटी है, जेवीपी का पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये जेवीपी का पूरा फुल फॉर्म है। ये तीन कमिटी 1948 में बने। उसके बाद 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी बनी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है तो इसको ध्यान रखिएगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी कब बना था, तो 1953 में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे इसके अध्यक्ष, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इन कमेटियों ने अपने कुछ कुछ सुझाव दिए, उन सुझाव के आधार पर हमारे देश में अलग अलग तरीके का बंटवारा हुआ। उसमें कुछ कुछ बातें मैं आपसे आगे करूंगा, तो उसको बड़े ध्यान से आप देखेंगे। पहले इस तीनों कमेटी को अपने कॉपी में जरूर आप लिख लेंगे, कमेटी से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहला बात है कि नए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आप देखिएगा नए राज्यों का गठन कब कब कौन से राज्य का गठन हुआ, कुछ कुछ मैं आपको कहानी बताते हुए चलूंगा रिफरेंस में, ताकि वो याद रहे रिफरेंस के लिए, और कुछ बातें मैं ऐसे ही करते हुए चला जाऊंगा ताकि आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले 1953 की बात करते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश एक नए राज्य के रूप में गठन हुआ आंध्र प्रदेश का। एक बात ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक आंदोलन चला था आंध्र प्रदेश के नए राज्य बनाने के लिए। कैसा आंदोलन चला था वो बात हम आपको बताते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश, मैं हर चीज को मैप से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दरअसल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एक ही स्टेट था और उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था, प्रेसिडेंसी, और उस प्रेसिडेंसी का नाम था मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी नाम था। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एक ही पार्ट था। फिर क्या हुआ कि
एक आंदोलन चलना शुरू हुआ आंदोलन, और जो आंध्र प्रदेश यानी कि तेलुगु भाषा के रूप में, तेलुगु भाषा के रूप में एक नए स्टेट के निर्माण का आंदोलन चलना शुरू हो गया, और नीचे जो तमिल भाषा था जिस जो कि तमिलनाडु है वो एक अलग था। तो तेलुगु वालों ने कहा कि नहीं, हम एक अलग हमें राज्य चाहिए, हम जो है ना अलग एक स्टेट के रूप में अपना काम करेंगे। आंदोलन बहुत तेजी से चलने लगा, और उसी समय धर कमेटी का जो है ना एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और जेबीपी कमेटी की भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और ये दोनों कमेटियों ने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पे जो राज्यों का निर्माण है वो गलत है, वो सही नहीं है। अगर भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण करना शुरू कर दे तो हमारे देश के इतने टुकड़े होंगे कि हम समेट नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में कितने भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, और उन भाषाओं के आधार पर अगर हम राज्यों का निर्माण करना शुरू हो जाए तो एक दिन देश ही टूट जाएगा, एक दिन देश ही बिखर जाएगा। तो भाषा आधार नहीं बन सकता है। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा नागवार गुजरी वहां के लोगों का, और आंदोलन अहिंसक हो गया, सॉरी अहिंसक था, हिंसक हो गया, ठीक है। और पोटी श्री रामल्लू, यहां पे एक नाम है, बड़ा रिस्पेक्टिव नाम है, रिस्पेक्टेड नाम है, उनका देहांत हो गया, क्योंकि वो आंदोलन पे बैठे हुए थे, वो जो है ना अनशन पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, और उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया। तो भारत सरकार को फोर्सली यानी कि जबरदस्ती, मतलब वहां के आंदोलन के दबाव में झुक करके एक राज्य बनाया गया जिसका नाम कहा गया आंध्र प्रदेश। और इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, पहला भाषा के आधार पे बना गया राज्य, पहला भाषा के आधार पे बना गया राज्य आंध्र प्रदेश, ये नया आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में बना। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने बोला है वो एग्जाम का क्वेश्चन है, जो मैंने यहां पे समझाया है कि किस प्रेसिडेंसी के हिस्सा थे वो एग्जाम का क्वेश्चन है, किस भाषा के आधार पे बना तो तेलुगु भाषा के आधार पे बना, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। और आप आगे भी जानते हैं कि उसी आंध्र प्रदेश में एक और क्या बोलते हैं नया राज्य बना, तेलंगाना, जानते हैं आप इस बात को, तो उसके बारे में चर्चा हम बाद में कर लेंगे। तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ। 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का भी स्थापना हुआ, फजल अली उसके चेयरपर्सन थे। चलिए ठीक है, जब एक राज्य बन गया यहाँ पे तेलुगु और तमिल वाले, तो एक रास्ता खुल गया। अब रास्ता खुल गया तो रास्ता क्या खुला, प्रशासनिक आधार पे राज्य तो बनेगा ही, साथ साथ भाषाई आधार पे भी राज्य बनने का एक रास्ता खुल गया। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से भाषा के आधार पे भी आगे चल करके कुछ राज्यों का निर्माण होता है। लेकिन भाषा के आधार पे कुछ राज्यों का निर्माण होता है, मैक्सिमम राज्यों का निर्माण हम क्या देखते हैं कि प्रशासनिक आधार पे ही होता है, जैसे तेलंगाना आप देख रहे हैं, जैसे कि आप आगे चल करके देखेंगे उत्तराखंड यूपी से जो बना वो प्रशासनिक आधार पे, क्योंकि उसकी भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा उर्दू और दूसरे भाषा है, जैसे बिहार से अलग होकर के झारखंड बना, उसकी भी एक भाषा हिंदी है, आप जानते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना, उसकी भी एक भाषा हिंदी है। तो भाषा के आधार पे हमेशा राज्यों का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत में जो हुआ उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे तेलुगु और तमिल की बात यहाँ पे आप लोगों ने कर लिया, अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे, मैं इसको मिटाता हूँ। और दूसरा जो राज्य बना महाराष्ट्र और गुजरात, इसके बारे में बात कर ले। महाराष्ट्र और गुजरात को देखते हैं, ये भी एक प्रेसिडेंसी था, और इस प्रेसिडेंसी का नाम था बॉम्बे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जब हम बात किए तो यहाँ पर देखें, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी है। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ऊपर यहाँ पे देखिएगा गुजरात, गुजराती भाषा को लेकर के, और महाराष्ट्र, मराठी भाषा को लेकर के, मैं यहाँ पे मराठी लिख रहा था, मराठी मानूस ऐसे ही कुछ बोलते हैं, मुझे मराठी नहीं आता, अगर कोई शब्द गलत बोल जाए तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो मराठी भाषा को लेकर के यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और ये गुजराती भाषा को लेकर के गुजरात बना, मराठा भाषा को लेकर के क्या बना, महाराष्ट्र बना। तो गुजरात और महाराष्ट्र कब बना, 1960 में, 1960 में, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ईयर से भी पूछ लेते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 1961,
1961 में दादरा नगर और हवेली, आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी है हमारा, दादरा नगर और हवेली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 1961 में। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि दादरा नगर हवेली पे किसका शासन था, तो पुर्तगालियों का शासन था। और ये कौन से संशोधन से जोड़ा गया, तो 10वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को बड़े आराम से समझिएगा कि दादरा नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन से भारत में जोड़ा गया 1961 में, 1961 में। और इस पे किसका शासन था, तो पुर्तगालियों का शासन था। और इसे भारत का यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। इसको अपने कॉपी में आप जरूर लिख लेंगे, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसके द्वारा शासित था। ठीक उसी तरीके से आगे देखते हैं कि हमें मिलता है गोवा दमन एंड दीव, तो गोवा दमन एंड दीव इसे भी संघ शासित प्रदेश बनाया गया 1962 में, ठीक अगले ही साल। और इस पे किसका शासन था, तो इस पे भी आप देखते हैं कि पुर्तगालियों का शासन था, गोवा दमन और दीव पे पुर्तगालियों का शासन था। और 1962 में इसे भी क्या बना दिया गया, इसे बना दिया गया भारत का केंद्र शासित प्रदेश, गोवा दमन एंड दीव। और यहां पे अगर आप अमेंडमेंट पूछेंगे हमसे, तो ये 12वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 12वां, ठीक है। तो अमेंडमेंट अगर आपको ना ध्यान रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इतना आपको परेशान करेगा। हाँ ये जरूर कर सकता है कि इस पे किसका शासन था, खास करके गोवा से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि गोवा पे किसका शासन था, तो पुर्तगालियों का शासन था। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, जरूर रखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 1962 गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब आप बोलेंगे सर गोवा तो राज्य है, तो आ रहा हूं ना मैं, उसको राज्य भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए ना, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगला राज्य कौन बना 1963 में, नागालैंड। अब नागा प्रदेश, नागालैंड, नागा प्रदेश जानते हैं कि अभी भी नागालैंड को लेकर के हमारे देश के जो क्या बोलते हैं, एक संघर्ष चल रहा है, वहाँ के जो ट्राइबल आबादी है वो ग्रेटर नागालैंड और पता नहीं क्या क्या मांग करते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा में भी एक नया त्रिपुरा लैंड की मांग करने लगे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा संघर्ष वाली बात है। और उसी संघर्ष से नागालैंड एक नए राज्य के रूप में निर्माण हुआ था 1963 में। 1966 में देखो यहाँ पे फिर से आ गया, किस पे, भाषा के आधार पे, हरियाणा और चंडीगढ़। 1966 में हरियाणा और चंडीगढ़ का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे कुछ चीज को समझिएगा तो उसे हिमाचल प्रदेश भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र पंजाब का क्षेत्र था, किसका क्षेत्र था, मैं लिख देता हूं पंजाब, पंजाब का क्षेत्र था। और भारत से जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो लगभग आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, पंजाब का नाम पांच नदियों के नाम पे है, ये भी बात आप जानते हैं, पांच नदियों के नाम पे पंजाब का नाम पंजाब रखा गया है। इस बात को भी आप समझते हैं, कमेंट में लिखिए तो वो कौन कौन सी नदी है पांचों, क्योंकि ज्योग्राफी में हमने इस चीज को पढ़ाया है, कमेंट में लिखिए। तो पंजाब का नाम पांच नदियों के नाम पे, एग्जाम का भी क्वेश्चन आया है। अब पंजाब के साथ क्या था, तो पंजाब में हरियाणा भी था, यहाँ पे देख लीजिए हरियाणा भी था और हिमाचल प्रदेश भी इंक्लूड था, हरियाणा भी था और हिमाचल प्रदेश भी इंक्लूड था। तो क्या किया गया कि पंजाब को पंजाबी भाषा के रूप में एक नया स्टेट बना दिया गया, ठीक है। और उसकी राजधानी कहाँ रखी गई, चंडीगढ़, चलो मैं यहाँ पे चंडीगढ़ कर देता हूँ। उसके बाद हरियाणा को बना दिया गया, हरियाणा को ठीक है, हरियाणा को बना दिया गया। अब हरियाणा को कौन से भाषा पे, तो जब मैं बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि हरियाणवी, नहीं हिंदी भाषा पे, हिंदी भाषा के आधार पे हरियाणा को बना दिया गया, ठीक है। चलिए तो आप देख लिए हरियाणा 1966 में, और उसी समय पंजाब तो पंजाब था ही, इसको बनाया थोड़ी गया, इसको काट दिया गया, इससे अलग किया गया। जैसा कि अगर हम तेलंगाना पूछेंगे तो आप थोड़ी बताएंगे कि तेलंगाना अलग हुआ और 2014 में, और आंध्र प्रदेश, तो ऐसा तो नहीं होगा, आंध्र प्रदेश तो 1953 में ही बन गया, तो तेलंगाना बोलेंगे 2014। उसी तरीके से 1966 में हरियाणा बना, और फिर आगे चल करके हिमाचल प्रदेश को उसी समय अलग कर लिया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी थे। बाद में हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया, किस आधार पे, तो ये पहाड़ी क्षेत्र के आधार पे, पहाड़ी, यहाँ पे भाषा तो हिंदी है ही लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है, याद रखिएगा क्षेत्र क्या है, पहाड़ी। तो पहाड़ी राज्य के रूप में इसको क्या बना दिया गया 1971 में, एक नया राज्य का निर्माण के रूप में हम लोग बात कर लेते हैं
हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के रूप में। तो ये समझ में आ गया पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश किस तरीके से अलग अलग हो गया। चलिए उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगला राज्य हमारे बीच में है मणिपुर त्रिपुरा मेघालय। तो मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय इसको एक नया राज्य बनाया गया, हालांकि ये सारे सिक्किम सॉरी क्या बोलते हैं असम के राज्य के क्षेत्र थे, कामरूप उस समय बोला जाता था असम को। ध्यान रखिएगा ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप है। तो कामरूप का क्षेत्र था, इस तरीके से इसको अलग अलग किया गया, ठीक है। चलिए अब 1975 की बात करते हैं, यानी सिक्किम की बात करते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम का प्यारा क्वेश्चन है सिक्किम। तो सिक्किम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सिक्किम के बारे में पॉइंट क्या है कि सिक्किम में एक राजवंश का शासन था। आप अगर सिक्किम को ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा सिक्किम ऊपर की तरफ है, इसके बगल में आप जानते हैं कि भूटान है, कुछ ऐसे करके भूटान है, आपको पता होगा अभी डोकलाम का पूरा विवाद चला था। और यहाँ पे आप जानते हैं कि नेपाल है, इस तरीके से ये भी बात आप जानते हैं। और यहाँ पे सिक्किम है और सिक्किम इस तरीके से भारत से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे चिकन नेक है आप जानते हैं, और नीचे में बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है और ये नेपाल है। आप एक बार मैप को देखिए, क्योंकि मैप देख करके मैंने पूरी ज्योग्राफी पढ़ाया है तो मुझे लगता है कि आपको याद होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया। ये सिक्किम है और ये आपका चिकन नेक है, ये जो दार्जिलिंग का इलाका है ना, दार्जिलिंग यहीं पे है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सिक्किम पे एक राजवंश का शासन था। तो उस जब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, रीऑर्गेनाइजेशन की, तो उस राजवंश ने भारत के साथ अपनी सहमति दिखाई और 35वें संविधान संशोधन से उसे हम 35वें पहले 35वां समझ लीजिए 35वें संविधान संशोधन से उसे भारत का एक अंग बना लिए। लेकिन 36वें संविधान संशोधन से उसे हम स्टेट का दर्जा दे दिए और एक नया स्टेट 1975 में 36वें संविधान संशोधन से हमें समझ में आया एक नए स्टेट 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। इस बात को ध्यान में रखिएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है कि सिक्किम कौन से संविधान संशोधन से भारत का अंग बना, तो 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम भारत का अंग बना, इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। तो 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम भारत का अंग बना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, बीबीआई है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं 1987 में क्या हुआ। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, जिस गोवा को हमने आपको बताया था कि इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, 1987 में उसी गोवा को क्या कह दिया गया कि आप स्टेट हैं, आप क्या हैं, स्टेट हैं, उसी गोवा को कह दिया गया 1987 में। और अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट फॉरेंटियर प्रोविंस था, नेफा इसको बोला जाता था, NEFA नॉर्थ ईस्ट फॉरेंटियर एजेंसी या नॉर्थ ईस्ट फॉरेंटियर एजेंसी बोला जाता था नेफा, वो अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया और 1987 में एक नए राज्य के रूप में इसका भी फॉर्मेशन हुआ। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1987, और नेफा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, नॉर्थ ईस्ट फॉरेंटियर एजेंसी से, नॉर्थ ईस्ट फॉरेंटियर स्टेट से क्वेश्चन पूछते हैं किसका नाम था, तो अरुणाचल प्रदेश का नाम था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखते हैं सन 2000 में तीन राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। हमने पहले चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ कहां से बना है, आप लोग कमेंट करेंगे कि छत्तीसगढ़ कहां से बना है, उत्तराखंड कहां से बना है और झारखंड कहां से बना है। ये भी कमेंट करेंगे कि छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन डेट क्या है, उत्तराखंड का फॉर्मेशन डेट और झारखंड का फॉर्मेशन डेट क्या है। इतना हिंट कर देता हूं कि ये 2000 में बना है। और दूसरा हिंट हमारा यहाँ पर ये होगा कि लगभग हफ्ते हफ्ते में ये बनता हुआ चला गया है 2000 में, तो ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में आप हमको, आपको मैंने कुछ बोला है उसका जवाब इंतजार रहेगा कमेंट के रूप में। उसके बाद तेलंगाना 2014 में बना और आंध्र प्रदेश से आप जानते हैं, और 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, 370 जैसे प्रावधान को समाप्त करने की बात की गई। हालांकि कहा जाता है कि 370 समाप्त करने की बात की गई, 370 के कुछ ही प्रावधान समाप्त हुए, मतलब बहुत सारे प्रावधान समाप्त हुए कुछ हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कहा गया, और जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगा, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा, यूनियन टेरिटरी रहेगा सिर्फ। लद्दाख में दो जिले हैं, लेह और कारगिल, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना है। लद्दाख में कितने जिले हैं, दो, लेह और कारगिल, क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है लद्दाख में कितने जिले हैं, लेह और कारगिल है। इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। तो ये हम लोगों ने कर लिया किसका, पार्ट वन की बात।
जिसमें हम लोगों ने स्टेट की बात कर ली पार्ट वन में, और स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लिया, देखा कि किस तरीके से स्टेट एक दूसरे से ऑर्गेनाइज्ड है। अब हम लोग पार्ट टू की बात करते हैं, और पार्ट टू में हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का, और नागरिकता के खोने और पाने दोनों की बात करेंगे। इसके आर्टिकल से जो क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल पे ज़्यादा तवज्जो हम नहीं दे रहे हैं, जो जितना ज़रूरत है उतना ही हम कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आर्टिकल याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मैं चीज़ों को समझाने हुए चलता हूँ और उस समय अगर आप चीज़ों को याद रखते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। चलो ठीक है, सिटीजनशिप की बात करते हैं हम लोग, नागरिकता की बात करते हैं। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाग दो, सिटीजनशिप नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, और ये हमने कहां के संविधान से लिया है, तो हमने यूके, जिसको ब्रिटेन इंग्लैंड, यूके के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया है। मतलब कि हमारा मोटो ये है, एकल नागरिकता के संदर्भ में हम बात करें तो हमारा मोटो ये है कि या तो तुम मेरे हो या तुम मेरे नहीं हो, बीच में वाली बात नहीं कि तुम मेरे भी हो और तुम किसी और के भी हो, ऐसा नहीं चलेगा। या तुम मेरे हो तो मेरे ही रहो, या तो किसी और के हो तो किसी और के ही रहो, ये बात नहीं चलेगा कि मेरे भी हो और किसी और के भी हो। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, तो एकल नागरिकता का मतलब यही होता है कि भारत का जो नागरिक होगा वो सिर्फ भारत का नागरिक होगा, एक। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप समझ लीजिएगा एकल नागरिकता के बारे में, वो ये है कि भारत का जो नागरिक होगा वो भारत का होगा, किसी स्टेट का नागरिक नहीं होगा, यानी कि वो यूनियन का सिटीजनशिप होगा उसके पास, संघ की नागरिकता होगी उसके पास, किसी स्टेट राज्य की नागरिकता नहीं होगी कि हम मध्य प्रदेश के हैं, हम बिहार के हैं, हम यूपी के हैं, हम झारखंड के हैं, या फिर हम महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु के हैं, हम केरला के हैं, हम आंध्र प्रदेश के हैं, हम ऐसी नागरिकता नहीं देते हैं। हम का मतलब हमारा संविधान, हम ऐसी नागरिकता नहीं देते हैं, हम सिर्फ भारत के नागरिक मानते हैं। लेकिन जब आप यूएसए चले जाएंगे, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, उसका मतलब होता है कि आप यूएसए के संघ यानी फेडरल के भी नागरिक होंगे, और साथ साथ जिस स्टेट से आप बिलोंग करेंगे यूएसए में, उसके भी आप नागरिकता आपको लेना होगा। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता की बात है, ये भी फेडरलिज्म और यूनियन में एक डिफरेंस है कि वहाँ पे दोहरी नागरिकता होगी, यहाँ पे सिंगल नागरिकता की बात है। तो जो मैं यूनियन और फेडरलिज्म समझा रहा था कि यूनियन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, और फेडरलिज्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीमेंट, तो वहाँ पे एक और बात जोड़ लीजिएगा कि यूनियन में एकल नागरिकता होती है और फेडरलिज्म में ड्यूअल नागरिकता होती है, इस बात को भी समझिएगा। चलिए ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने कर लिया, एकल नागरिकता समझ में आ गया होगा। आर्टिकल यहां से पूछ लेते हैं कि नागरिकता के आर्टिकल क्या है, तो 5 से 11 है, 5-11 है। आपने 1-4 देखा पार्ट 1 यानी कि स्टेट के गठन में, 1-4 आपने आर्टिकल देखा, नागरिकता में आप आर्टिकल देख रहे हैं 5-11, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कहता क्या है नागरिकता। नागरिकता कहता है आर्टिकल 5, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो तो वो भारत के नागरिक है, भारत के जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो तो वो भारत के नागरिक है, या संविधान लागू होने से कम पहले भारत का निवासी हो 5 वर्ष पहले तो वो भी भारत का नागरिक है। ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। मिला जुला के ये कहना चाहते हैं कि आप भारत के नागरिक कौन है, एक सिंपल तरीके से, तो भारत के नागरिक वो होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत का नागरिक होगा। भारत में राज्य क्षेत्र में जन्मा तो है लेकिन भारत के उसके माँ बाप भारतीय होने चाहिए, ये भी दूसरा क्लॉज है, और तीसरा कि भारत में यानी संविधान को लागू होने से पहले 5 वर्ष पहले तक भारत में रह रहा तो वो भी भारत के नागरिक कहे जाएंगे, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे एज पर द आर्टिकल कहा जाता है। तो सिंपल पॉइंट क्या है, आप भारत में जन्मे हैं, आपके माता पिता भारतीय हैं तो भारत के नागरिक होंगे, सिंपल पॉइंट। मतलब आप भारत में जन्मे हैं, आपके माता पिता भारत के नागरिक है तो आप भारतीय होंगे, सिंपल पॉइंट है, इतना ही समझो ना। अब जरा दिखाते हैं कुछ अलग अलग पॉइंट और जो एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है और उसके अंदर जो बात लिखी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस मैं आपको अच्छे तरीके से समझा करके निकल जाना चाहता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए। भारत में नागरिकता पाने का तरीका क्या है, एक तो आप नागरिक हैं
और दूसरा नागरिकता पाने का तरीका क्या है, यानी कि अगर कोई नागरिकता पाना चाहते हैं जन्म से भारत में नागरिकता पा सकते हैं। भारत में जन्मे हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। वहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखा हुआ है, कंडीशंस के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। इतना अगर क्वेश्चन आ गया तो आप यूपीएससी के लेवल की तैयारी में चले जा रहे हैं, यानी कि आप पीसीएस लेवल की तैयारी पर चले जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप ध्यान में रखिएगा, मैं लिख तो दिया हूँ। तो क्या कहता है कि जन्म से आप भारत के नागरिक हैं, जिसमें क्या कहता है कि 1950 के बाद 1987 से पहले जन्म लिया हो, आपके दोनों पेरेंट 1987 तक भारत के नागरिक हो, या फिर 2004 के बाद कोई भी एक पेरेंट जो है ना भारत के नागरिक हो तो भारत के नागरिक होंगे। ये सब कहानी बना हुआ है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। आप बस ये समझ लीजिए कि आप भारत के नागरिक हो जन्म से, मतलब जन्म लिया हो भारत। दूसरा पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से, यानी कि जो भारत के ओरिजिन ऐसे पर्सन हैं जो भारत के बाहर है लेकिन भारत में रहना चाहते हैं, तो पंजीकरण के द्वारा रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप भारत में रह सकते हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा। दूसरा है क्षेत्रों के समावेशन से, तीसरा क्षेत्रों के समावेशन। क्षेत्रों के समावेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो भारत का नहीं था लेकिन किसी भी वजह से भारत उसको अपना लेता है तो आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे, भारत के नागरिक कहे जाएंगे। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अभी भारत और बांग्लादेश के बात में जब आप अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो 100th अमेंडमेंट पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि भारत और बांग्लादेश ने अपने कुछ टेरिटरी, अपने कुछ क्षेत्रों को एक दूसरे को एक्सचेंज किया है एज पर द अमेंडमेंट 100th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्र भारत को दिया है और भारत ने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया है, तो जब बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत आ गए तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक वहां के नागरिक भारतीय नागरिक हो गए, और भारत ने कुछ क्षेत्र अगर बांग्लादेश को दिया तो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बांग्लादेश के नागरिक हो गए। तो ये पॉइंट किस हिसाब से क्या बोलते हैं सही हो जाता है कि बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्रों के समावेशन से, जब नए क्षेत्र हमारे पास आते हैं तो उस क्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक कहे जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा है बाय नेचुरलाइजेशन, यानी प्राकृतिकरण से। प्राकृतिकरण से क्या है कि कोई भी फॉरनर लेकिन वो इल्लीगल माइग्रेंट का मतलब होता है कि गलत तरीके से भारत में नहीं आया हो, तो कोई भी फॉरनर है वो भारत का अगर नागरिक बनना चाहता है तो भारत का नागरिक बन सकता है कुछ शर्तों के साथ। अभी हम शर्त बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात किया, जन्म से नागरिकता पा सकते हैं, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से नागरिकता पा सकते हैं, भारत में कोई राज्य का समावेशन हो गया उससे नागरिकता पा सकते हैं, प्राकृतिकरण नेचुरलाइजेशन से नागरिकता पा सकते हैं। अब नागरिकता कैसे खो सकते हैं, ये तो नागरिकता पाने की बात हो गई, अब नागरिकता खोने की बात करेंगे कि कैसे आप नागरिकता को खो सकते हैं, यानी कि गवा सकते हैं नागरिकता को। तो नागरिकता को गवा सकते हैं कैसे, पहला पॉइंट है कि स्वैच्छिक त्याग। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं तो आप नागरिकता को खो सकते हैं। दूसरा यह है कि भारत सरकार किसी भी गलती चीज में आपको पाले और आपको नागरिकता से वंचित कर दे तो आप वंचित हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि भारत की नागरिकता से आप त्याग हो सकता है। एक तीसरा है बर्खास्त की टर्मिनेशन, यानी कि आपकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाए। ये दोनों पॉइंट एक ही जैसा लगता है लेकिन लिखने की बातें हैं। तो भारत में नागरिकता खोने का तरीका यह है कि कोई भी गलत काम में आप पकड़े गए तो भारत सरकार आपकी नागरिकता ले लिया, बर्खास्त कर लिया, टर्मिनेट कर दिया तो भी हो सकता है, नागरिकता से वंचित कर दिया तो भी हो सकता है, और आप खुद से भी त्याग कर दिए नागरिकता का तो भी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि वंचित करने में एक पॉइंट जो तीसरे में आ जाता है जिसको आप लिख सकते हैं कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता पा लेते हैं तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा, यही वंचित करने में है। कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता पा लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को पा लेते हैं तो। तो नागरिकता पाने और खोने की बात यहां पे कर ली, यानी पा कैसे सकते हैं, तो जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, क्षेत्रों के समावेशन से और प्राकृतिक रूप से। इसको मैं मिटा देता हूं, एक बार लिख लीजिएगा, ये नागरिकता पाने के तरीके हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं, आर्टिकल भी मैंने बता दिया है कहां से लिया गया है नागरिकता, वो भी बात हमने कर लिया, ठीक है, और कैसे समाप्त होगा वो भी बात कर लिया, और जो स्वैच्छिक त्याग है यह आर्टिकल 9 के अंतर्गत आता है, चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन एक जगह मुझे दिख गया था इसलिए मैंने वहां पर आर्टिकल 9 डाल दिया था, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया नागरिकता के त्यागने की बात। अब इसी में अगला पॉइंट हमारे पास क्या है वो हम आपको बताते हैं कि एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019,
जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था दिल्ली में, जानते हैं कि पूरा का पूरा शाहीन बाग का एक बैठक हुआ था, पूरे भारत में बहुत सारी बातें हुई थी, आगजनी हुई थी, दिल्ली में दंगा हो गया था, आप जानते हैं इसी के ऊपर में, क्योंकि उन्होंने प्रमाण पत्र मांग लिया था, ऐसा कुछ सुनने में आया। बहुत सारी बातें हैं, मैं इस पर बहुत सारी बातें करूंगा तो चीजें सही नहीं होंगी, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुका है। मुझे यहाँ क्या बात करना चाहिए जो एग्जाम के हिसाब से हो सकता है होगा सही होगा, वो ये कि क्या क्या था उस एक्ट में, बस इतना बात करना चाहिए। बाकी सारी बातें मैं आपके व्यक्तिगत जो सोच है, व्यक्तिगत जो विचार है, उसके ऊपर छोड़ता हूं। किस लिए? क्योंकि किसी बहुत सारे मुद्दों में व्यक्तिगत जो सोच, व्यक्तिगत जो डेवलपमेंट हो, बहुत जरूरी है। किसी के बातों में मत आइए, किसी के बातों में अगर आप आते हैं ना, तो आप जानते हैं कि आप अपना जो व्यक्ति है आपके अंदर में बैठा हुआ, उसको आप खो रहे हैं। तो बड़ा तरीके से अपने दिमाग का यूज कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको एक्ट समझाता हूं। एक्ट क्या है? एक्ट ये है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसका नाम है। लागू कब हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को ये पार्लियामेंट से पास हुआ, यानी लागू हुआ। ठीक है, ये कहना क्या चाहते हैं कि किसको नागरिकता देंगे, मतलब जो नागरिकता देंगे वो कब भारत में आएगा तो उसको नागरिकता देंगे। तो वो कहते हैं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग भारत में आ चुके हैं उसको हम नागरिक मान लेंगे। मैं फिर से बताऊं, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग भारत में आएंगे उसको हम नागरिक मान लेंगे। जो भी लोग में कौन लोग, मतलब जो भी लोग में कौन लोग होगा, तो उसको उन्होंने धर्म के आधार पर बांट दिया है। जो एज इट इज है वही बात मैं कर रहा हूं, उसको उन्होंने धर्म के आधार पर बांट लिया है। उन्होंने क्या कहा कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन लोगों को हम भारत का नागरिक मानेंगे, दूसरे लोगों को नहीं मानेंगे। तो क्या दूसरे लोग उस समय नहीं आए थे? आए थे, तो क्यों नहीं मानेंगे? तो उनका यह कहना है कि जिन लोगों को हम नागरिक मान रहे हैं उसका एक देश स्पेसिफाई है, उस एक एक, एक पार्टिकुलर कंट्री के लोगों को हम नागरिक मानेंगे। तो वो कंट्री क्या होगा ये भी समझा दो। तो वो कहते हैं कि वो कंट्री होगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहां से आने वाले। तो यहां से कौन कौन आएंगे? तो यहां से आएंगे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इसको हम क्या मानेंगे? नागरिक मानेंगे। कब आएंगे? 31 दिसंबर 2014 से पहले। भाई मुसलमान आएगा तो उसको क्यों नहीं मानेंगे? तो उनका यह कहना था, जैसा कि लोकसभा में और राज्यसभा में डिस्कशन हुआ, हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, अपने मन से कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि चूंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों ही घोषित रूप से इस्लामी कंट्री है, तो वहां पे इस्लाम मानने वाले जितने भी लोग हैं उनसे के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। तो जो भेदभाव किए गए जाने वाले रिलीजन है उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कैसे आप जान लिए कि इस्लाम के साथ भेदभाव नहीं होगा? मतलब कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में चूंकि इस्लामिक कंट्री है और वहां के इस्लामिक लोगों के साथ धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होगा, बाकी लोगों के साथ हो सकता है या होता है, मतलब हो सकता है या होता है दोनों बातें, तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। यानी बाकी लोग कौन? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, तो इस्लाम के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? तो उनका कहना यह था कि ये बात ऐसे कह सकते हैं, जो उन्होंने कहा है वही बात मैं बोल रहा हूं। उनका यह कहना था कि चूंकि ये तीनों घोषित रूप से इस्लामिक कंट्री है तो धर्म के आधार पर वहां पर भेदभाव नहीं होगा। तो ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता है। आपको क्या लगता है ये आप सोचिएगा, मेरी बातों में नहीं आएंगे। ऐसा मुझे इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इस्लाम मानने वाले लोगों में भी अलग अलग कैटेगरी है जिनके साथ अलग अलग तरीके से भेदभाव होता है, और ये बात जो उसको जो उस धर्म को मानते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ये बात कही गई, ठीक है, और इसके ऊपर लेकर के विवाद हुआ, बहुत ज्यादा विवाद, कि भाई क्यों मुसलमान को क्यों नहीं अपनाएंगे, क्या उनके साथ भेदभाव नहीं होता, क्या उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, क्या वहां पर वो उनके साथ, मतलब जो भी चीजें थी उनको कहने वाला था। और जो आंदोलन चला इतने दिनों तक, फिर आंदोलन को समाप्त भी हो गया, दिल्ली में छोटे मोटे दंगे भी हुए, छोटे मोटे क्या थोड़े से बड़े हो गए, लेकिन वहां भी हुआ। तो ये सारी चीजें हुई इस सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पे, आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। चलिए टाइम पीरियड क्या कहा गया, तो पहले जो टाइम पीरियड था कि 11 साल तक भारत में रहेंगे उसको घटा करके 5 साल कर दिया गया, यानी कि इसी एक्ट में कहा गया कि 11 साल तक भारत में रहने का जो क्लॉज था उस क्लॉज को हम 5 साल कर देते हैं। हो गया ना, ये समझ में आ गया हर चीज कि कब आएंगे तो उसको हम मान्यता देंगे, किस धर्म के लोगों को मान्यता देंगे, कहां से आएंगे तो मान्यता देंगे, टाइम पीरियड क्या होगा, ये तीनों बात बता दी। अब अगला पॉइंट इसी कानून में कहता है कि कौन से राज्य में ये लागू नहीं होगा, नॉट अप्लीकेबल टू, व्हिच स्टेट,
तो वो कहते हैं कि जो शेड्यूल 6 के अंतर्गत स्टेट है उसके उस पर लागू नहीं होगा। हमने शेड्यूल में आपको बताया था, शेड्यूल 6 में AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM यहाँ पे लागू नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो इनर लाइन परमिट वाले स्टेट हैं उन पे ये लागू नहीं होगा, इनर लाइन परमिट। और इनर लाइन परमिट में कौन कौन से स्टेट है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो इन स्टेटों में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू नहीं होगा, ठीक है। ये आंदोलन असम से शुरू हुआ था और आगे चल करके काफी आगे बढ़ गया था। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हमने छोटा सा बात आपसे कर लिया, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से आप एक बार देखिएगा। उसके बाद हम लोग पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। तो हमने पार्ट प्रस्तावना के बारे में बात कर लिया, पार्ट 1 के बारे में बात कर लिया, पार्ट 2 के बारे में बात कर लिया। एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से भी बात हम लोगों ने किया है। तो एग्जाम के क्वेश्चन को आप बनाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप जरूर बनाएंगे। हम भी आपको क्वेश्चन देंगे, उसको भी आप सॉल्व करेंगे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर करेंगे, किसी तरह का कोई समस्या हो तो। ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना बहुत जरूरी है। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप नहीं बनाएंगे, आप कंफर्ट नहीं होंगे, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, एग्जाम में भी आप अच्छे महसूस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लास को रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार से अगली क्लास में। धन्यवाद।